सहायक अध्यापक के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया है। इस दौरान एलटीए चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द ही नियुक्ति दिए जाने की मांग उठाते हुए एडी माध्यमिक को ज्ञापन दिया है। डीएम कार्यालय के बाहर धरना देते हुए एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले एक साल से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिलने के चलते अभ्यर्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि जल्द नियुक्ति नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन के साथ ही आमरण अनशन किया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। कब सोचेगी, क्यों वो इतनी संवेदनशील नहीं है कि जब भर्तियां निकलते हैं तो आप भर्तियां निकालते हैं, जब आपने उस पर आगे काम नहीं करना है तो हम बेरोजगारों को क्यों मतलब ऐसे ही बरगलाया जा रहा है। हर बार आप क्या करते, बड़ी बड़ी बड़े मंचों पे जाकर बोलते हो रोजगार के बारे में। आज राज्य स्थापना दिवस है, राज्य स्थापना का मुख्य जो उद्देश्य था कि जो ये पहाड़ है, इस पहाड़ के लोगों के लिए जो शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य, ये तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं। प्रभाव तो पड़ ही रहा है, आप पीजीआई की रिपोर्ट देखिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है जिसमें कि देश के 35 राज्यों, जिसमें कि मैं केंद्र शासित प्रदेशों की भी बात कर रहा हूँ, 8 इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, उसमें उत्तराखंड की रैंकिंग ये न्यूज़पेपर बता रहा है 35वें नंबर पर है सबसे लास्ट में। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे कई बार कह चुके हैं इस बात को। अब आप इस विरोधाभास को समझ लीजिए, नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू हो रही है लेकिन परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका सबसे पीछे है।